श्रावण माह जप तप और ध्यान के लिए उत्तम होता है, लेकिन इसमें सोमवार का विशेष महत्व है। सोमवार का दिन चंद्र ग्रह का दिन होता है और चंद्रमा के नियंत्रक भगवान शिव हैं। इस दिन पूजा करने से न केवल चंद्रमा बल्कि भगवान शिव की कृपा भी मिल जाती है। कोई भी व्यक्ति जिसको स्वास्थ्य की समस्या हो, विवाह की मुश्किल हो या धन संबंधित कोई परेशानी हो, तो यदि सावन के प्रत्येक सोमवार को विधि पूर्वक भगवान शिव की आराधना करते हैं तो तमाम समस्याओं से मुक्ति पा जाते हैं। सोमवार और शिव जी के संबंध की वजह से ही माँ पार्वती ने 16 सोमवार का उपवास रखा। सावन का सोमवार विवाह और संतान की समस्याओं के लिए अचूक माना जाता है। सावन के सोमवार की पूजा के महत्व की बात की जाए तो भगवान शिव की पूजा के लिए और खास तौर पर वैवाहिक जीवन के लिए सोमवार की पूजा की जाती है। तो हमें बता दें आपको कि विवाह में अड़चने आ रही हैं तो सावन के सोमवार पर पूजा करनी चाहिए। यदि कुंडली में आयु या स्वास्थ्य बाधा हो या मानसिक स्थितियों की समस्या हो तब भी, यदि कुंडली में स्वास्थ्य बाधा हो या फिर कोई भी बाधा हो तो उसके लिए भी आप सावन सोमवार जो है उसमें शिव जी की पूजा करनी चाहिए। सर्वोत्तम होती है शिव जी की पूजा। इसमें मुख्य रूप से शिवलिंग की पूजा की जाती है और उस पर जल तथा बेलपत्र अर्पित किया जाता है। सावन के सोमवार की पूजा विधि की बात की जाए तो बता दें आपको कि प्रातः काल या प्रदोष काल में स्नान करने के बाद शिव मंदिर जाए, घर से नंगे पैर जाए तथा घर से ही बता दें कि पात्र में जल भर कर ले जाएं, मंदिर जाकर शिवलिंग पर भगवान को साष्टांग प्रणाम करें, वहीं पर खड़े होकर शिव मंत्र का 108 बार जाप करें, दिन में केवल फलाहार करें, सायंकाल भगवान के मंत्रों का फिर जाप करें तथा उनकी आरती करें, अगले दिन पहले अन्न वस्त्र का दान करें तब जाकर व्रत का पारायण करें। सावन के पहले सोमवार पर विशेष उपाय की बात की जाए तो बता दें आपको कि प्रयास करें कि शिव जी की पूजा प्रदोष काल में की जाए। इस समय शिवलिंग पर बेलपत्र और जल की धारा अर्पित करें। इसके बाद शिव जी के मंदिर में घी का दीपक जलाएं। इसके बाद शिवलिंग की परिक्रमा करें, शिव जी से मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। बता दें आपको कि हमें पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। नेक्स्ट राइन स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।